की शुरुआत एसएन सिंह साहब, आप कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन यहाँ अब आप ही की उस टैगलाइन को टेक ओवर कर लिया और कह रहे हैं अखिलेश यादव कि सुनहरे दिन आने वाले हैं। हम 2014 वाली स्थिति में पहुंच गए क्या? देखिए पूजा जी, अखिलेश यादव नहीं, आप जिससे भी पूछेंगे वो सब लोग कहेंगे कि अगर गरीबों को छत मिलता है तो अच्छे दिन ही माने जाते हैं। छत तो आजादी के बाद मिल जाना चाहिए। अगर गरीबों के घर में भी शौचालय बनता है तो ये अच्छे दिन ही माने जाते हैं। अगर गरीब बीमार होता है और वो दर दर नहीं भटकता है, उसको 5 लाख रुपए मिल जाते हैं मुफ्त में दवा कराने का, उसको साहूकार से कर्ज नहीं लेना पड़ता है, तो ये अच्छे दिन होते हैं। ये अच्छे दिन होते हैं कि दिल्ली से लेकर बड़ोदरा तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, दिल्ली से लेकर देहरादून तक, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण होता है। ये अच्छे दिन होते हैं। ये अच्छे दिन ही होते हैं कि जब भारत के तिरंगे का मान सम्मान बढ़ जाता है और सब लोग देखते हैं कि भारत के ध्वज को जो भी पकड़ लेता है, अगर दो देशों का युद्ध होता है, सुरक्षित वापस आ जाता है। ये अच्छे दिन होते हैं कि सबका साथ सबके विकास के नारे को बुलंद किया जाता है। अब मैं और बातों पर आता हूं। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी जो जिसकी रचना 1992 में होती है, जब तक वो मुलायम सिंह जी के हाथों में उसकी कमान रहती है, वो बढ़ोतरी करती रहती है और मध्य प्रदेश राजस्थान में भी 81 सीटें पा जाती थी। लेकिन उसी मुलायम सिंह के बाद जब वो अखिलेश यादव जी के हाथ में उसकी कमान जाती है, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी। तो आप देखिए एक परिवार की पार्टी कैसे बनकर आ जाती है। हमारे राजीव जी ने बहुत अच्छा एक विश्लेषण किया। निश्चित तौर पे डॉक्टर का लड़का होना परिवारवाद नहीं है, डॉक्टर का लड़का ही डॉक्टर होगा ये परिवारवाद है। निश्चित तौर पे आप देखी होंगी कि जिसके हाथ में कमान है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में, चाहे वो बिहार में, चाहे वो उत्तर प्रदेश में, चाहे महाराष्ट्र में, जेएंडके में या तमिलनाडु में, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिसमें बाकी सभी लोग ये जानते हैं कि वहां पे यादव माने मुलायम सिंह यादव जी का परिवार, बिहार में यादव माने तेजस्वी यादव जी का परिवार, बाकी लोग क्या करेंगे। तो निश्चित तौर पे एक भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक ताना बाना जो था वो बदलता नजर आ रहा है। अब लोग मान के चल रहे हैं कि मोदी जी के कालखंड में मोहन यादव जी भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, पता चले कि राजस्थान से किसी और जाति धर्म के बन जाते हैं और छत्तीसगढ़ से किसी और धर्म के बन जाते हैं, जहां जाति धर्म नहीं देखा जाता। इस नाते भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर पे जो नीरज शेखर, अभी तो उनका उदाहरण समझाया ना, नीरज शेखर, क्या वो परिवारवाद नहीं है? बता रहा हूँ, देखिए अरविंद राजभर, वो क्या परिवारवाद नहीं है? अनुप्रिया पटेल, वहाँ कोई परिवारवाद नहीं है? अरविंद राजभर भारतीय जनता पार्टी नहीं है, सहयोगी है। और सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी जब भी रही, कभी अपने एजेंडे में ढील नहीं दी। यहाँ तक कि मैं बहुत साफगोई से आपके चैनल पर कहता हूँ, राम जन्मभूमि 370 के मुद्दे पर जेडीयू की विचारधारा हमसे उस समय नहीं मेल खाती थी, तो भी हमने अपनी विचारधारा में परिवर्तन नहीं किया। अब देखिए, अब बात आज के डिबेट पे होती है, हम डिबेट से इधर उधर नहीं जाएंगे। आज भारत की जनता ये देखी कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित, मोदी जी के हाथों में 10 साल का विकास काल और 60 साल का जो विनाश काल था वो सब लोगों ने देखा। 2014 में जो आपने कहा था अच्छे दिन, तब महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, हर साल 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को देना ये एक बड़ा वादा था, क्या वो आपने पूरा किया? क्या महंगाई से, महंगाई दर हमारी घट जरूर रही है सरकारी आंकड़ों में, लेकिन क्या जमीन पर वो महंगाई खत्म हो गई है? क्या जनता इससे त्रस्त नहीं है? पूजा जी देखिए, अभी 7 राज्यों के चुनाव हुए थे, उसके पहले 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, सब में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर गए थे। लेकिन जनता को, जब जनता ने ही बताने का कार्य किया कि आप देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है और उसके पहले केंद्र में जब दूसरे पार्टियों की सरकार थी, महंगाई दर क्या थी, बेरोजगारी। ठीक है फिर राजीव, राजीव ठीक कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा सवाल बनता है कि जिन मुद्दों की हम यहाँ आमतौर पर बात करते हैं ना, महंगाई, बेरोजगारी, ईवीएम तक जाते जाते वो मुद्दे उतने हावी होते हैं या चेहरे हावी होते हैं, पार्टी हावी होती है, ये बड़ा सवाल रह जाता है।